जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ग्री स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका बीएड का एग्ज़ाम है आगरा यूनिवर्सिटी से, उसका एग्ज़ाम डेट जो है 18 से लगा हुआ है और 18 से ही एग्ज़ाम होना संभावित है। ये बात हम लोग सभी जानते हैं और हम दो तीन दिनों से आप लोगों को बताते आ रहे हैं। अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए, आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 18 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है। जिस हिसाब से जोरों शोरों से काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ने का कोई भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले बता दिया था कि एग्ज़ाम डेट अगर बढ़ना होता तो वो पहले ही ना लगाया जाता, वो सितंबर में एग्ज़ाम आपका ले जाते, लेकिन एग्ज़ाम जो है अगस्त में ही कराने का उनका पूरा मूड है, इसीलिए आपका एग्ज़ाम इतनी जल्दी में लगाया गया है। और फिलहाल जो एग्ज़ाम का भी एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है, सेंटर लिस्ट नहीं आई हुई है, वो कल तक आपको देखने को मिल सकता है। एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है और आपका सेंटर लिस्ट है, वो कल यानी कि 17 अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है। तो उसको लेकर आप निश्चित रहें, अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं BD 204 यानी कि जो योग शिक्षा है आपके BD 204 सेकेंड ईयर में, BEd सेकेंड ईयर में। तो हम लोग योग शिक्षा के बारे में यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, BD 204 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग पद्धतियाँ कितनी हैं? योग पद्धतियाँ जो हैं वो 7 हैं। कितनी हैं? 7 योग पद्धतियाँ बताई गई हैं। वेदव्यास किसके पुत्र थे? वेदव्यास जो थे वो भगवान मुनि सखदेव के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है? भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है? तो नीति पक्ष की प्रमुखता है। किस पक्ष की प्रमुखता है? नीति पक्ष की प्रमुखता है। योग किस भाषा के यूज शब्द से बना हुआ है? तो संस्कृत भाषा के यूज शब्द से निर्मित है योग। चेयर पोस किस आसन को कहा जाता है? चेयर पोस किस आसन को कहा जाता है? तो उत्कटा आसन को कहा जाता है। किस आसन को? उत्कटा आसन को कहा जाता है, चेयर पोस। अगला क्वेश्चन है, योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? तो आपका जो धर्म योग है, ये प्रकार योग का प्रकार नहीं है। समाधि से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है समाधि से पूर्व की अवस्था। हठ योग के अंग कितने हैं? तो हठ योग के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वहीं पर अगर बात करें राजयोग की, राजयोग के 8 अंग हैं। राजयोग के 8 अंग हैं, हठ योग के 6 अंग हैं। योग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किस देश को? तो भारत देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? चित्त की वृत्तियाँ जो हैं वो 5 हैं। चित्त की कितनी वृत्तियाँ हैं? 5 वृत्तियाँ हैं। विष्णु पुराण में भक्त के प्रकार कितने हैं? 9 प्रकार हैं भक्ति के। विष्णु पुराण में भक्ति के 9 प्रकार हैं। योग समाधि है या कथन किसका है? तो योग जो है समाधि या कथन वेदव्यास का है। अगला है, योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? योग का आदिवक्ता जो है वो हिरण्यगर्भ को माना जाता है, योग का आदिवक्ता। अगला है, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? तो सूर्य को दिया था। किसको दिया था? सूर्य को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य कितने उपनिषद हैं? मुख्य उपनिषद संख्या अगर हम लोग जाने तो 13 उपनिषद हैं मुख्य। योग सूत्र की रचना किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने किया था। आदि की उत्पत्ति होती है, आदि की उत्पत्ति होती है किस स्तर पर? तो आदि की उत्पत्ति जो होती है वो मानसिक स्तर पर होती है, आदि की उत्पत्ति। अगला है, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है प्रकृति। योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा? योग जो है वो चित्तवृत्ति निरोध है किसने कहा? ये कहा है पतंजलि ने। अगला है, संस्कृत के शब्द यूज का अंग्रेजी समानार्थी क्या है? तो अंग्रेजी समानार्थी जो है आपका वो योग है। क्या है? योग। योग किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास है। क्या है? सर्वांगीण विकास है। योग के अनुसार रोगोत्पत्ति का मूल कारण क्या है? योग के अनुसार रोग उत्पत्ति का मूल कारण जो है वो चित्त विशेष क्लेशों का मनोमय स्तर में जमा कामाशय या वासना, ये सभी जो है वो रोग उत्पत्ति के कारण है।
योग दिवस का लोगो प्रतीक है। योग दिवस का जो लोगो है वो क्या होता है, तो इंद्रियों को एकाग्रचित करना, किसका प्रतीक है, इंद्रियों को एकाग्रचित करना, ये योग दिवस का जो प्रतीक है। भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं, भगवत गीता में यम के जो है वो 12 अंग हैं। भगवत गीता में याद रखेंगे कितने यम बताए गए हैं, 12 यम बताए गए हैं। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है, प्राणायाम जो है ये योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है। सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है, सत्व गुण जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, सत्व गुण किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। योग, अगला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, योग शब्द की उत्पत्ति यूज यानी कि संस्कृत भाषा से हुई है। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है, योग में यम का जो है वो तप जो है वो योग में यम का अंग नहीं है। जो यम होते हैं 12 यम हैं आपको हमने बताया ऊपर, तो यम जो है वो यम का अंग क्या नहीं है, तप नहीं है, बाकी सत्य अहिंसा अस्तेय ये सब यम के अंग हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं, भारतीय दार्शनिक परंपरा के 2 भाग हैं। गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है, गीता में भक्ति का मार्ग ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को, सभी को जो है भक्ति का मार्ग बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति दोनों है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्याय का तात्पर्य क्या है, न्याय का तात्पर्य है उचित वांछनीय सत्य, कैवल्य प्राप्ति, ये दोनों है न्याय का तात्पर्य। अगला है, नास्तिक दर्शन कौन सा है, नास्तिक दर्शन जो है वो चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सभी हैं नास्तिक दर्शन हैं। मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, मन के अंगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है, महर्षि पतंजलि को जाता है योग दर्शन के लिए। अगला है, बौद्ध दर्शन का सार क्या है, बौद्ध दर्शन का सार दुख है, दुख का कारण है और दुख का निराकरण यानी कि दुख का दूर करने का उपाय भी है ये सभी। सत्व का क्या अर्थ है, सत्व का अर्थ होता है प्रकाश। आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं। अगला, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, योग जो है वो जीवन व आत्मा का मिलन है, या परिभाषा किसमें बताई गई है, तो वेदांत में बताई गई है कि योग जो है वो जीवन व आत्मा का मिलन है। यम योग साधना का कौन सा सोपान है, यम योग साधना का कौन सा सोपान है, प्रथम सोपान है, कौन सोपान है, जो यम है ये योग साधना में कौन सा सोपान है, प्रथम सोपान है। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया गया है, भक्ति योग में समर्पण पर, श्रद्धा पर, आस्था पर, इन सभी पर भक्ति योग में बल दिया गया है। अगला है, उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं, तो उपनिषद में मोक्ष की 2 व्याख्याएं की गई हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है, तो 5 नियम है महर्षि पतंजलि के अनुसार, कितने नियम हैं, 5 नियम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है, सांख्य में जो है 25 तत्वों का समावेश है। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है इंद्रियों पर नियंत्रण। अगला है, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है, तो वन, आश्रम, परिस्थिति, इन सभी के अनुसार धर्म का पालन करना क्या कहलाता है, तप कहलाता है। तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं, तमोगुण में स्थैर्यात्मक और आज्ञानात्मक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। अगला है, रजोगुण किस प्रकार का होता है, रजोगुण जो है गत्यात्मक गुण और रागात्मक गुण दोनों होता है। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है, तो यम का अर्थ मन के संगम से, वचन के संगम से, कर्म के संगम से, इन सभी के संगम से मन का अर्थ लगाया जाता है। अगला है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है, अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है, यम है। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, योग के जो है सामाजिक एवं नैतिक दोनों आधार जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
संत तथा योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? संत तथा योगी जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो ध्यान करते हैं, तप करते हैं, साधन करते हैं, ये सभी करते हैं। यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं। यम नियम के ध्येय की कितनी साधनाएं हैं? तो योग, ज्ञान, कर्म, उपासना, ये सभी जो है वो ध्येय की साधनाएं हैं। अगला है आत्मा के विभाग हैं। आत्मा के विभाग जो है वो बुद्धि, अर्धचेतना, चेतन, ये सभी हैं। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? तो भारतीय दर्शन शास्त्र जो है वो गौरवान्वित करता है भारतीय संस्कृति को। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है, कितने पुरुषार्थ हैं? चार पुरुषार्थ हैं। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार कितने पुरुषार्थ हैं? चार पुरुषार्थ हैं। पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी बताई गई है? पाराशर संहिता में यम की संख्या 10 बताई गई है। वहीं पर श्रीमद् भागवत में आपको बताया हमने 12 जो है यम की संख्या बताई गई है। प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं। कितने गुण? 3 गुण पाए जाते हैं। आगे वेदांत दर्शन का अंतिम स्तर क्या है? वेदांत दर्शन का अंतिम स्तर ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का गूढ़ चिंतन, ये सभी जो है वो वेदांत दर्शन के अंतिम स्तर हैं। जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? जैन दर्शन में पृथ्वी को 4 तत्वों से निर्मित माना गया है। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? तत्व मीमांसा में मानव के मूल तत्व, संसार के मूल तत्व, इन दोनों मूल तत्वों का विवेचन देखने को मिलता है। वेदों में मनुष्य के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? धर्म का, अर्थ का, काम व मोक्ष का, सभी का, इन सभी का जो है वो देखने को मिलता, वर्णन देखने को मिलता है किसमें? वेदों में। त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, ये सभी जो है त्रिगुण के अंतर्गत आते हैं। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम जो है वो प्रकृति है। आगे है योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? योग में जो है वो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, गुप्त शक्ति, इन सभी शक्तियों का विकास किया जाता है। अगला है यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया? तो सत्व व आस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, इन सभी का जो है वो पालन करने पर बल दिया गया है। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? योग दर्शन में आसन जो है वो स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुख पूर्वक बैठने को, इन सब दोनों को जो है आसन कहा गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? तो आदि दैविक दुख से, आध्यात्मिक दुख से, आदि भौतिक दुख से, इन सभी दुखों से जो है मुक्ति पाना है किसमें? सांख्य दर्शन के अनुसार। ब्रह्म ज्ञान उपनिषद उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो शंकराचार्य का है। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश मिलाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। अगला है गीता में कौन से श्लोक में व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? 4:1-2:3, 4:1-2:3 जो है ये व्युत्क्रम का क्रम बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग हाजिर होंगे। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।